Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार दोस्तों हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के विषय पर खास तौर पर हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन कहें या इतिहास धारा कहें उसके बदलते आयामों प्रवृत्तियों रुझानों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं इस लेक्चर श्रृंखला में और पिछले चंद भाषणों के साथ हम लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस प्रकार से इतिहास लेखन ने औपनिवेशिक काल के ऊपर अनेक नज़रिए से देखना शुरू किया उसकी चर्चा कर रहे हैं इस सिलसिले में हमने पिछले लेक्चर्स में मार्क्सवादी विचारधारा से शुरुआत की और उत्तरोत्तर बढ़ते हुए नौ कैम्ब्रिज विचारधारा की ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया जो 1960 के दशक के अंत की तरफ और 1970 में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के इतिहासकारों के लेखनी से उभरा था यही वह समय था या कहें तो चंद वर्षकों के बाद 1970 के दशक के मध्य से उपरांत भारतीय इतिहासकारों का एक बहुत छोटा सा समूह उभर रहा था जो अपने पहले के इतिहास लेखन की थाती से कई अर्थों में कुछ जटिल से कुछ तीखे से सवाल कर रहा था इस छोटे से समूह में अधिकांश इतिहासकार नवयुवक थे और इनकी अगुवाई एक बेहद प्रतिभाशाली और तीक्षण इतिहास दृष्टि रखने वाला व्यक्ति रंजित गुहा कर रहा था उन्नीस में इस समूह ने पहली पुस्तक प्रकाशित की और इस पुस्तक की मान्यताएं तीखे सवाल और इन सवालों से उपजे वे संभावनाओं ने शीघ्र ही भारतीय इतिहासकारों का ध्यान अपनी तरफ खींचा हम लोग बात कर रहे हैं सवाल्टन स्कूल की या सवॉल्टन स्टडीज़ कह सकते हैं जिसे हिंदी में उपाश्रेत इतिहास लेखन या फिर कई बार सरलीकृत तरीके से निम्न वर्गीय इतिहास लेखन के नाम से जाना जाता है तो यदि शुरू से बात करें तो जो शब्द है सबॉल्टन, उपाश्रयन यह दरअसल मशहूर इटालियन मार्क्सवादी विचारक एंतोनियो ग्राम्सी की किताब प्रेजेंट नोटबुक से लिया गया शब्द है आम जिंदगी में यह शब्द सैन्य शब्दावली सैन्य हल्कों में प्रयुक्त होने वाला शब्द है जिसका शब्दार्थ होता है निचले पदानुक्रम पर अवस्थित कोई व्यक्ति या अवयव अर्थात अधीनस्थ जो किसी के अधीन हो तो जैसा मैंने कहा कि वहां से ग्रामसी से यह शब्द और कई अन्य संकल्पनाएं, आधारभूत संकल्पनाएं और उनकी अंतर्दृष्टियाँ इनसाइट्स लेते हुए रंजित गुहा और उनके कुछ नवयुवक इतिहासकार दोस्तों ने इस विचारधारा की शुरुआत की उन्नीस में पहला संपादित किताब आया जिसमें इन इतिहासकारों के आलेख संचयित थे रंजित गुहा के अतिरिक्त जो नाम महत्वपूर्ण हैं इस पहली पीढ़ी या सवर्टन स्टडीज़ कलेक्टिव के फाउंडर मेंबर्स के रूप में उनमें पार्थ चटर्जी जो राजनीतिक विज्ञानी रहे हैं दीपेश चक्रवर्ती शाहिद अमीन डेविड हार्डिमन डेविड अर्नॉलॉल्ड ज्ञानेंद्र पांडे सुमित सरकार बाद में कुछ ही समय बाद ज्ञान प्रकाश इससे जुड़े और यह कारवां बढ़ता गया जिस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करते रहेंगे अब देखते हैं कि इस विचारधारा की मूल स्थापनाएं क्या थी वह क्या था जो बेहद उत्तेजक था बेहद अंतर्दृष्टियों से संभावनाओं से लबड़ेज था तो जो पहली मूल संस्थापना है वह यह कि इतिहास लेखन और खास तौर पर यहाँ वे भारतीय इतिहास लेखन से संबंधित संबोधित कर रहे हैं इतिहास लेखन लंबे समय से अभिजात्यता से ग्रसित है यह अभिजात्यता औपनिवेशिक हैं और यह बुर्जुआ अभिजातता है यह पहली मान्यता अर्थात अब से पहले जो कुछ भी इतिहास में लिखा गया है वह दरअसल अभिजातियों के लिए अभिजातियों के नज़रिए से और अभिजातियों के द्वारा लिखा गया इतिहास है इस मान्यता जो पूरे सवर्टन स्टडीज़ इंटरवेंशन के मूल में चलती रही थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ संशोधन संवर्धन के साथ यहाँ दरअसल कहा यह जा रहा है कि इतिहास लेखन ने लोगों की भूमिका को आम जन की भूमिका को इतिहास में लोगों के द्वारा उनके अपने शर्तों पर किए गए योगदान का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है अर्थात या तो आमजन इतिहास में के केंद्रीय भूमिका में है ही नहीं उनके योगदान की उपेक्षा की गई उन्हें उनका नजरअंदाज किया गया या फिर जब वे इतिहास के पन्नों पर उनका जिक्र आता भी है तो बेहद चलताऊ तरीके से और उनकी शर्तों पर नहीं आता है यह जो फ्रेज है उनकी शर्तों पर यह महत्वपूर्ण है और इसके अलग अलग पहलुओं को हम जानने की कोशिश करेंगे लोग आम जन को उनकी शर्तों पर इतिहास में शामिल करने के क्या मायने होते हैं तो रंजित कुहा जैसा कि इस पहले ही संपादित पुस्तक जो उन्नीस में आई उसकी भूमिका में यह बात लिखते हैं कि आमजनों को उनके शर्तों पर उनके योगदान का इतिहास लेखन ने संज्ञान नहीं लिया उन शर्तों का उनकी भूमिका का उनके योगदान का विश्लेषण करना तो बहुत दूर की बात है अपनी शर्तों पर राष्ट्रवादी आंदोलन में किए गए योगदान अब इस अपनी शर्तों की बात को अगले पंक्ति में वे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अपनी शर्तों पर राष्ट्रवादी आंदोलन में किए गए योगदान का अर्थ अभिजन अभिजनों अभिजातियों के तरीके से उनके सोच से स्वतंत्र तरीके से जिस प्रकार आमजन भागीदारी कर रहे थे राष्ट्रवादी आंदोलन में उस भागीदारी को उस स्वतंत्र तरीके से व्याख्यायित, विश्लेषित नहीं किया गया है इतिहास लेखन में तो इस मूल वाक्य में ही हम पाते हैं कि एक इनहेरेंट एजम्सन या स्टेटमेंट जिसे कहते हैं वह अंतर्निहित है वह यह कि अभिजातियों और आमजनों जिसे मास कहते हैं या फिर यही इसी मास के लिए आप कह सकते हैं कि उपाश्रयित वर्गों उपाश्रयित सामाजिक समूहों इनकी राजनीति के बीच इसका अर्थ है कि एक किस्म का अंतर हुआ करता है एक किस्म की खाई होती है अंग्रेजी में जिस शब्द का बार बार इस्तेमाल वे कर रहे हैं वह है डिसजंक्शन अर्थात कहीं ना कहीं विच्छेद जंक्शन और उसका उलट डिसजंक्शन तो फिर से यहां मैं दोहरा दूं और यह मैं बार बार इन मूल प्रस्तावनाओं को दोहराता जाऊंगा क्योंकि इन्हीं बातों को लेकर बाद के दशकों में बहुत अधिक विवाद होता रहा इसलिए हमारे ज़हन में इन के सभी पहलुओं को सरलता से समझना बेहद जरूरी है तो दो बातें हुई कि इतिहास लेखन ने आमजनों की भूमिका को उनके योगदान को अहमियत नहीं दी दूसरी बात कि जहां आम जनों को शामिल भी किया गया है उनका जिक्र भी है तो आम जन अपनी शर्तों पर जिस प्रकार से राजनीति कर रहे थे और जो उनकी शर्तें थी वह अभिजातियों के नजरिए से अभिजाति जिस तरह से राजनीति कर रहे थे जिन सोच के साथ कर रहे थे उससे अलग थी उससे स्वतंत्र थी उससे स्वायत्त थी तो इस स्वायत्तता के साथ उनका इतिहास में विश्लेषण अंकन नहीं किया गया है उनकी भूमिका को नज़रअंदाज किया गया है इग्नोर किया गया है और इस प्रस्तावना का दूसरा पहलू यह हुआ कि अभिजातियों और आम जनों के सोच में कहीं न कहीं बुनियादी अंतर है एक खाई है और इस खाई को इस अंतर को इस डिसजंक्शन को एक इतिहासकार के रूप में हम कैसे देखें इसी मूल प्रस्तावना का तीसरा पहलू यह होगा और मैं यहाँ रंजित गुहा के ही शब्दों का यदि सहारा लूँ उन्हें अपने तरह से खुले ट्रांसलेशन जिसे कहते हैं मैं यदि कहूँ तो वह यह कि अभिजाति राजनीति के समानांतर राजनीति का एक और क्षेत्र होता है एक और डोमेन होता है जहां बलशाली प्रभावशाली व्यक्ति या डोमिनेंट जो प्लेयर्स हैं एक्टर्स हैं वे न तो औपनिवेशिक अधिकारी वर्ग हैं और न ही समाज का ऊपरी तबका है बल्कि यह जो एक समानांतर राजनीति का क्षेत्र है वह जन या उपाश्रित वर्ग और इंटरमीडियरी ग्रुप्स का मध्यस्थ तबकों का है, से बना है यह जो तबका है अभिजनों का उपासरितों का इंटरमीडिएटी ग्रुप्स का वह कस्बों छोटे शहरों और गांवों में निवास करता है तो इस मूल प्रस्तावना को लेकर जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा सवाल्टन इतिहासकार इनका लेखन खासा विवाद में रहा क्योंकि पहली बात तो यह कि जिस चीज की बात जिस स्वायत्तता की बात कर रहे हैं राजनीति के दो पार्टों की बात कर रहे हैं दो डोमेन्स की बात कर रहे हैं इलिट और सवर्टन डोमेन इलिट पॉलिटिक्स और मास पॉलिटिक्स इनकी समानांतरता को इसमें जो मास पॉलिटिक्स है मास का डोमेन है आम जनों का जो क्षेत्र है राजनीति का उपाश्रितों का जो क्षेत्र है क्या वह असंपृक्त क्षेत्र है क्या उसका अभिजन या हाई पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है कोई सरोकार नहीं है कोई संपर्क नहीं है क्या उस तरह की असंपृक्तता की बात की जा रही है तो और भी अनेक सवाल इसी स्वायत्तता को लेकर स्वायत्तता को आइसोलेशन की तरह समझा जाए क्या क्या ये दोनों जो राजनीति के अलग अलग क्षेत्र डोमेन्स बनते हैं वे एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं तो इन तमाम मुद्दों को लेकर बहस चले तो स्वायत्तता को लेकर एक और सवाल है एक तो आइसोलेशन का सवाल हुआ क्या ये दोनों डोमेन एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं दूसरा कि क्या ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं यहाँ न तो आइसोलेटेड डोमेन की बात की जाती की जा रही है न ही स्वतंत्र डोमेन की बात की जा रही है जो वाक्य मैंने रंजित गुहा का उद्धृत किया था पहले वहां स्वतंत्र का अर्थ यह है कि उपाश्रित या आम जन अपनी सोच रखते हैं अपनी शर्तों पर भागीदारी कर रहे हैं एक उनका जो जिस जिन शर्तों पर वे राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कर रहे हैं वह अभिजन जो इतिहास है और अभिजन राजनीति या अभिजन नेतृत्व का जो सोच है उस सोच के बरक्स उनकी सोच स्वतंत्र है यह एक अलग तरीके से देखें तो इसके मायने यह हुए कि यदि कोई कृषक या किसान किसी राजनीतिक आंदोलन में प्रवेश करता है तो वह महज एक कठपुतली की तरह या एक पैसिव यूनिट की तरह इन आंदोलनों में इस राजनीति में प्रवेश नहीं करता उसकी अपनी सोच होती है वह राजनीतिक नेताओं की बातें सुनता है उससे सहमत हो असहमत हो सहमत होने के बाद भी उसके अपने स्थानीय गणित कई बार बहुत भिन्न होते हैं राजनीति गतिविधियों के पीछे उसकी मनसा उन स्थानीय कारकों उन स्थानीय सांस्कृतिक और सामाजिक परिभाषाओं के साथ शब्दावलियों के साथ स्वरूपित होती है तो हम यहाँ यह मानकर न चलें कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व या किसी भी आंदोलन का शीर्ष नेतृत्व जिस लहजे में अपील कर रहा है उसे उसी लहजे में उन्हीं शर्तों पर आमजन उपाश्रयित जन स्वीकार कर रहे होंगे तो यहां एक ही राष्ट्रवाद के कई अलग अलग खंडित आख्यानों की बात एक तरफ तो की जा रही है उपासित इतिहासकारों के विरुद्ध एक आरोप यह भी लगता रहा है कि यह जो खंडित राष्ट्रवादी चेतना की बात है क्या वह कहीं उसी तरफ तो हमें नहीं ले जा रहा जिसकी चर्चा हमने नव कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहास लेखन के संदर्भ में अपने पिछले लेक्चर में कहा क्योंकि नौ कैम्ब्रिजवादी इतिहासकार भी राष्ट्रवाद की परिकल्पना को नज़रअंदाज कर रहे हैं वे कह रहे थे कि भारत में अनेक अलग अलग स्तरों पर जो राजनीति के अबियब एक दूसरे के साथ साठगाट कर रहे हैं और प्रादेशिक प्रांतीय या स्थानीय स्तर पर जिस प्रकार से राजनीतिक नेतृत्व आंदोलनों में शामिल हो रहा है वह महज अपने हित साधन के लिए इन आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है तो यहाँ जब सबोल्टन इतिहासकार उसी तरह से राष्ट्रवाद को एक खंडित आख्यान की तरह देख रहे हैं तो क्या दोनों समान ही नहीं हो गए मेरे ख्याल से हम हमें इन आरोपियों की आलोचनाओं को थोड़ा और गहरे तलाशना होगा क्योंकि उपाश्रित इतिहासकार इस विचारधारा के इतिहासकार जो कह रहे हैं वह यह कि राजनीति की राष्ट्र की कोई एक मोनोलिथिक या सिंगुलर एकल संकल्पना हमारे सामने राष्ट्रीय आंदोलन के समय नहीं दिख रही है लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि हम राष्ट्रवादी चेतना को ही राष्ट्रीय चेतना को ही उस अवेयरनेस उस कंससनेस को ही सिरे से खारिज कर दें दरअसल ठीक उसके विपरीत नव साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों के विपरीत यहाँ इसी चेतना को इसी कंसनेस को कई स्तरों पर कार्यरत दिखाने की कोशिश हो रही है तो इस कॉन्सनेस को इस पॉलिटिक्स के मायने को यहाँ प्लूरल सेंस में बहुवचन के तरह से उनकी विविधताओं को सामने लाने की कोशिश है तो जब हम इन स्वायत्त राजनीति के डोमेन्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ उनके बीच के संपर्क को नकारा नहीं जा रहा है संपर्क रहे और इसी संपर्क के कारण जब महात्मा गांधी ने कुछ अपील की तो एक बड़े संख्या में किसानों और उपाश्रयुक्तों का हुजूम राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल होता है जिसकी बात हम आगे आने वाले समय में करेंगे खासकर जब हम शाहिद अमीन के ऐतिहासिक शोधों की बात करेंगे या फिर ज्ञान पांडे के द्वारा उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन के इतिहास की बात करेंगे या फिर डेविड हार्डिमन के द्वारा दक्षिण गुजरात के आदिवासियों के बीच 1920 के दशक के मध्य जो आंदोलन हो रहे थे उनकी बात करेंगे तब हम इसी मूल प्रश्न से रूबरू हो रहे होंगे कि राजनीतिक विविधता का मतलब चेतना की संकल्पना को खारिज करना नहीं है इसका मतलब भौतिक स्वार्थी हित का तक अपने को सीमित करना भी नहीं है यहां दरअसल राजनीति सामाजिक ताने बाने जिनके स्थानीय अर्थ करते हैं और जीवन पद्धति सांस्कृतिक क्षेत्रीयता उनका एक उनका बाहुल्य है और उस बाहुल्य से राजनीति की समझ बेहद संश्लिष्ट समझ हमारे सामने इतिहास में आ रही है तो ये तो एक बात हुई और इसी विविधता की जब हम बात कर रहे हैं तो ये इतिहासकार दिखा रहे हैं दिखाते हैं कि यह जो उप समूह है वह अपनी शर्तों पर गतिविधियां करता है जिसकी विचारधारा भारत के सामाजिक अवयवों की विविधता के द्योतक हैं जो बात अभी मैंने तुरंत कही सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता की बात तो औपनिवेशिक काल में लोगों की गोलबंदी उनका मोबिलाइजेशन अपनी समग्रता के साथ और अपने समेकित स्वरूप में किसान आंदोलनों में परिलक्षित हुआ यह एक और मान्यता तो जो पीजेंट मोबिलाइजेशन है वह दरअसल भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास के केंद्र में है लेकिन जो गौरतलब है जब हम राजनीति के दो ध्रुवों की बात कर रहे हैं क्षमा करें दो डोमेन की बात कर रहे हैं अभिजाति और उपाश्रहित तो राजनीति के राजनैतिक चेतना के इन दो समानांतर फील्डों का को एग्जिस्टेंस इनका सह अस्तित्व ही दरअसल बुर्जुआ राष्ट्रवाद की असफलता के ऐतिहासिक सत्य का इंडेक्स है यहाँ एक गहरी बात कहने की कोशिश की जा रही है जो इतिहास के ज्ञान मीमांसा के स्तर पर और राजनीति की जो समझ हमारी रही है उसको चुनौती दे देती है क्योंकि इसका मतलब यह है दो फील्ड्स का होना कि बुर्जुआ अभिजात राष्ट्रवाद अपने नेतृत्व से अपने फ्रेम में उपाश्रयितों की राजनीति को उपाश्रित राजनीति की भाषा को उनकी चेतना को ढालने में असफल रहा क्योंकि यदि सफल होता तो बुर्जुआ राजनीति की एक ही संकल्पना होती लेकिन जैसा कि इन इतिहासकारों ने दिखाया है कि वे अपने शर्तों पर राष्ट्रवादी आंदोलन में शिरकत कर रहे थे तो इसका मतलब यह भी है कि जो राजनीति की हमारी समझ है अभी तक वह दरअसल एक खास ऐतिहासिक और एक खास दिशा से आ रही है यह ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट और यह दिशा दरअसल पश्चिमी यूरोपीय पोस्ट इन्लाइटनमेंट जो अंडरस्टैंडिंग है राजनीति की वह तय कर रहा था लेकिन भारतीय संदर्भों में उपाश्रितों की भागीदारी का जो इतिहास है वह हमें दिखाता है कि वह जो पोस्ट इन्लाइटनमेंट जो कॉन्स्ट्रक्ट है इतिहास का वह भारतीय जनमानस को उपाश्रितों को कॉलोनाइज करने में उनके राजनीति की भाषा को स्वरूपित करने में असफल रहा और इसी असफलता का जो ऐतिहासिक सत्य है उसका इंडेक्स ये ये उपाश्रित जो राष्ट्रीय चेतना है उसके रूप में हमारे सामने आता है इन मूल प्रस्तावना के साथ अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जब 1970 के दशक के मध्य से और 1980 के दशक में यह इतिहास लेखन हमारे सामने आ रहा है तो उसके बौद्धिक पृष्ठभूमिया किन बौद्धिक कारणों से यह हमारे सामने आता है एक तो या फिर कहें कि दूसरे शब्दों में कि इसकी जड़ें बौद्धिक जड़ें हमें कहाँ तक ले जाती हैं एक बिंदु का मैंने शुरू में ही जिक्र किया जब इटालियन मार्क्सवादी चिंतक एंटोनियो ग्राम्सी की बात की और उनका प्रभाव कई स्तरों पर इस इतिहास लेखन में दिखता है पारिभाषिक शब्दावली की बात तो है ही लेकिन कई संकल्पनाएं राजनीति की जैसे एक महत्वपूर्ण संकल्पना है हेजेमनी का मुझे पता नहीं कि इसका सही हिंदी अनुवाद क्या हो लेकिन इसका अर्थ बहुत मोटे तौर पर यदि कहें तो ऐसे अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं जिनके द्वारा एक समूह दूसरे समूह पर अपना वैचारिक या बौद्धिक अधिपत्य स्थापित करता है लेकिन यह प्रभाव इतना सूक्ष्म होता है इतने अदृश्य रूपों में अभिव्यक्त होता रहता है सामाजिक क्रियाओं में कि इन्हें बहुत सरलता से न तो आप स्वार्थी हित के रूप में अनुवाद कर सकते हैं क्योंकि वहां तो सीधा सीधा प्रत्यक्ष बात है और जिसके कारण नौ कैम्ब्रिज स्कूल को खारिज कर दिया जा रहा था यहाँ इन्फ्लुएंस दरअसल हेज़िमनी में कई रूपों में आता है जैसे कि भाषाई रूप जैसे कि ज्ञान मीमांसात्मक रूप जैसे कि सांस्कृतिक प्रभाव ये सभी बेहद सटल होते हैं और प्रत्यक्ष होते हैं लेकिन इनके जरिए विचारधाराएं बड़े समूहों तक अपनी बात बड़े ही इफेक्टिव तरीके से किया करती हैं मैं जैसा मैंने कहा बहुत मोटे तरीके से इस संकल्पना की बात कर रहा हूं क्योंकि हमारा लक्ष्य इस इतिहास लेखन को एक या दो लेक्चर्स में इसके अनेक पहलुओं की बात करना है लेकिन साथ ही इस चर्चा में बहुत संक्षेप में ही सही लेकिन हम इन पदावलियों से रूबरू होते जाएं तो जब हम इन ऐतिहासिक आलेखों पुस्तकों को पढ़ें तो हमारे सामने सहूलियत हो मैं बार बार शोधार्थियों से छात्रों से यह अपील करूंगा कि जब भी हम किसी इतिहास धारा की बात कर रहे हैं किसी स्कूल की बात कर रहे हैं तो मुकम्मल तौर पर जानने के लिए हमें उनके कुछ मूल आलेखों और पुस्तकों को स्वयं ही पढ़ना होगा वह भी आलोचनात्मक नज़रिए से इन पुस्तकों का जिक्र मैं बार बार अपने लेक्चर्स में कर ही रहा हूँ जैसे कि जब हम सवाल्टन स्टडीज़ की बात करते हैं तो सवाल्टन स्टडीज़ के पहले खंड में जो उन्नीस में रणजीत गुहा द्वारा संपादित होकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से आई उसकी भूमिका जो बहुत संक्षिप्त चार पांच पन्नों की भूमिका है वह जरूर पढ़ना चाहिए जो शोधार्थी हिंदी में उपलब्ध पुस्तक पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी दो खंडों में निम्न वर्गीय प्रसंग के कई आलेखों का अनुवाद प्रकाशित है वह देख सकते हैं <coughs> बहरहाल हम जो बौद्धिक पृष्ठभूमि की बात पर वापस आए तो एक महत्वपूर्ण संकल्पनात्मक जो पृष्ठभूमि है वह चीन में माओवादी आंदोलन और उसकी उसका उसकी जो समझ है उस इतिहास की समझ वह रही समय की पाबंदी के कारण हम यहाँ हर एक पॉइंट्स पर विस्तार से जाने से बचेंगे लेकिन इनका जिक्र होना जरूरी है दूसरा महत्वपूर्ण कारक बंगाल में 1960 के दशक में जो नक्सलबारी आंदोलन के रूप में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे और उस आंदोलन से जो राजनीतिक समझ पैदा हो रही थी खासकर कृषकों की चेतना को लेकर किसानों की भागीदारी को लेकर माओवादी आंदोलन चीन का उसका इतिहास और नक्सलबारी आंदोलन के इतिहास ये दोनों महत्वपूर्ण हैं तीसरा महत्वपूर्ण पहलू रहा इस पृष्ठभूमि का 1950 और 1960 में भारत में ग्रामीण अध्ययन विलेज स्टडीज़ पर काफ़ी जोर रहा बड़े पैमाने पर लोगों ने अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में जाकर गांवों की सामाजिक जीवन का विस्तार से अध्ययन किया और वहाँ से निकली हुई अंतर्दृष्टियाँ सवर्टन स्कूल के इतिहासकारों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अधिकांश रूप में अप्रत्यक्ष एक थाती की तरह काम किया <क्याँ> यहां दो तीन और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका जिक्र कर देना जरूरी है जैसे वैश्विक स्तर पर समाज विज्ञान में अनेक तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं खासकर 1960 के दशक और 1970 के दशकों में मैंने कल न्यू कैम्ब्रिज स्कूल के ऊपर चर्चा करते हुए भूमिका में कुछ एक का जिक्र किया था जैसे ग्रेट ब्रिटेन में हिस्ट्री फ्रॉम बिलो की बात जो इपी थॉमसन एक आदि कर रहे थे और सामाजिक इतिहास को लेकर जिस किस्म के प्रयोग हो रहे थे वह बात है लेकिन इतिहास के बाहर भी समाज विज्ञान में जैसे 1970 का दशक लिंग्विस्टिक टर्न्स के लिए जाना जाता है या लिटरेरी टर्न भाषाई या लिंग्विस्टिक टर्न जहाँ कई किस्म की अवधारणाएं हमारे सामने नए ज्ञान वांग्मय को प्रस्तुत कर रही थी जिसकी मूल संकल्पना यदि आप कहें वह यह कि ज्ञान का उत्पादन ज्ञान जिस रूप में हमारे सामने परिलक्षित होता है प्रकट होता है वह दरअसल भाषा का ही एक या दूसरा रूप है और इसी भाषाई लबादों से होते हुए हम तक सत्य पहुँचता है सत्य का ज्ञान पहुँचता है तो क्या जब हम समाज विज्ञान कर रहे हैं तो भाषा की अहमियत को हम नज़रअंदाज कर दें और महज ऑब्जेक्टिव ट्रुथ की तलाश में हम पुराने जो मान्यताएं रही ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सल ट्रूथ अपने को उसी दायरे में रखें या ट्रूथ के यूनिवर्सैलिटी के क्या मायने हुए क्या ऑब्जेक्टिव ट्रूथ बगैर भाषाई परिधानों के हमारे सामने परिलक्षित हो सकता है क्योंकि हमें भी फिर वापस एक समाज वैज्ञानिक एक इतिहासकार की तरह जब हम अपने पाठकों से संवाद कर रहे होंगे तो किसी न किसी भाषाई माध्यम का ही तो सहारा लेना होगा और उसी के जरिए उस ऐतिहासिक ज्ञान को संप्रेषित करना होगा तो ये तमाम तरह की बातें हैं यहाँ इस भाषाई मोर की जब बात करते हैं तो और भी गहरे स्तर पर इससे पहले भाषा विज्ञानियों का प्रभाव परिलक्षित होने लगता है 1960-1970 के दशक में जिसमें फर्देंदो द ससुर या फिर रोला आदि कई नाम हैं कई हस्तियां हैं जिनके लेखन ने समाज विज्ञान और शोध को अनेक अनेक स्तरों पर प्रभावित किया तो ये एक बात है भाषा और ज्ञान के बीच के अंतर संबंध की बात दूसरा कि जब 1950 और 1960 में एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोशियोलॉजिस्ट ग्रामीण अध्ययन कर रहे हैं तो एक किस्म की असहजता भी सामने आ रही हैं और वह असहजता इस बात को लेकर कि भारत भारतीय इतिहास ने भारतीय समाज विज्ञान ने कहीं न कहीं जातीय संश्लिष्टता या और भी अनेक जो ऐसी सामाजिक संश्लिष्टताएँ जो भारत के संदर्भ में जिनका विशिष्ट स्थान है और जो वैश्विक समाज विज्ञान के दायरे में अक्सर सरलीकृत कर दी जा रही थी उनके ऊपर जागरूकता को लेकर और कास्ट का प्रश्न जाति का प्रश्न इसमें एक अहम भूमिका है इसके बाद इन सब से जुड़ा हुआ और यह बहुत हद तक इस ग्रामीण अध्ययनों की बात भी है वहां से भी जुर, इसका जुड़ाव है वह यह कि इतिहास दूसरे विषयों के साथ एक किस्म का संवाद अब बेहतर तरीके से कर रहा है अन्य शब्दों में कहें तो इतिहास अपनी सीमाओं के प्रति एक किस्म की जागरूकता दिखा रहा है और यह जो दूसरे विषयों के साथ संवाद है वहां एंथ्रोपोलॉजी का मैं खास तौर पर नाम लेना चाहूंगा एंथ्रोपोलजी और एंथ्रोपोलजिकल लिटरेचर का सवर्टन स्कूल के इतिहासकारों ने गहरा इस्तेमाल किया है वहाँ से अनेक किस्म की अंतर्दृष्टियाँ ली हैं और यह इन इतिहासकारों की राइटिंग्स को पढ़ते हुए बहुत साफ तौर पर नज़र आता है कई बार उन्होंने खुले और स्पष्ट तरीके से इसका एक्नोलेज भी किया है जैसे यदि आप उदाहरण के तौर पर रणजीत गुहा की पहली पुस्तक एलिमेंट्री आस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी देखें तो वहाँ आपको उनके समय के महत्वपूर्ण एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरवेंशन की झलक बहुत स्पष्ट मिलेगी यहाँ मैं महज इस बात का जिक्र कर रहा हूँ फिर से समय अभाव के कारण हम लोग हर तार को विश्लेषित नहीं कर पाएंगे इसका हमें हमेशा खेद रहेगा जिस एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लेखन ने इस स्कूल को और इसके इतिहासकारों को गहरा प्रभावित किया और जो इस समय के या इवन यदि ये कहें कि बाद के इतिहास के शोधार्थियों को महत्वपूर्ण है जिसके लिए हमें वापस उनकी तरफ विस्तार से जाना होगा शायद किसी और लेक्चर में जब हम एंथ्रोपोलॉजी और इतिहास के इंटरडिसिप्लिनरिटी की तरफ विस्तार से बात करेंगे और वह नाम है बर्नार्ड कोहन का इनकी चंद प्रस्तावनाएं मैं यहां सामने रखकर अपनी बात समाप्त करूंगा वह यह कि आधुनिक भारतीय इतिहास का अध्ययन बर्नार्ड कोहन कहते हैं कि तब तलक अधूरा रहेगा जब तक कि इस बात की गहराई से खोज न हो कि ब्रिटिश शासन ने किन रूपों में सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं एवं व्यवहारिकता को प्रभावित किया अर्थात यदि आप ब्रिटिश शासन के प्रभाव को यदि नज़रअंदाज कर देंगे और वह प्रभाव भी ऐसा प्रभाव जो भारतीय समाज और सांस्कृतिक व्यवस्था को गहरे रूप में जहां वह स्पर्श करता है दखलंदाजी करता है जब तक आप उसका अध्ययन नहीं करेंगे आप भारत में कॉलोनियलिज़्म के हिस्ट्री को नहीं समझ सकते यह इसलिए कि बर्नार्ड कोहन कहते हैं कि औपनिवेशिक राज्य का अपने समय में भारतीय समाज के आधारभूत संरचना पर असाधारण प्रभाव पड़ा तो हमें राजनीति की राष्ट्रवादी चेतना की एक मुकम्मल समझ के लिए अलग अलग समाज के स्तरों पर सामाजिकता सांस्कृतिक व्यवहार के अलग अलग धरातलों पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा जिसकी तरफ सवर्टन इतिहासकार हमें इशारा कर रहे हैं और जिस जिस थाती को जिस इनसाइट्स के साथ वे नए इतिहास लिख रहे हैं शुक्रिया